हे गाइस, वेलकम बैक टू वकास फ्रेंचाइज। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं, इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट मूवी है लूसी, जो आई है 2014 में। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लूसी नाम की एक लड़की की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड की वजह से एक कोरियन ड्रग लॉर्डर के जंगल में फंस जाती है। उसके बाद वो लोग उस लड़की का जिस्म काट कर कुछ ड्रग्स के पैकेट उसके जिस्म में डालते हैं, ताकि लूसी सिक्योरिटी से बचकर उन पैकेट्स को यूरोप डिलीवर कर सके। लेकिन ये पैकेट्स रास्ते में ही उसके जिस्म में फट जाते हैं, जिसकी वजह से लूसी के ब्रेन की पावर बहुत ही तेज़ हो जाती है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी हिंदी में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है रेडी प्लेयर वन, जो आई है 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक गेम की, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी असल ज़िंदगी छोड़कर उस गेम के अंदर वो सब कुछ हासिल करने के लिए आते हैं, जो अपनी असल लाइफ में भी हासिल नहीं कर पाते। इसी बीच गेम के ओनर की डेथ हो जाती है और वो एक की छोड़ जाता है। जो भी उस की को लेगा वो उस गेम का ओनर बन जाएगा। ऐसे में वो की किसको मिलती है वो आप इस मूवी के अंदर देखें। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ब्लेड रनर 2049, जो आई है 2017 में। ये एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहां इंसान रिप्लिकेट्स बनाते हैं, यानी क्लोन्स बनाते हैं। ये ना तो कोई रोबोट होते हैं और ना ही कोई इंसान, और ना ही इनके अंदर कोई फीलिंग्स होती हैं। आगे चलकर 5 रिप्लिकेट्स इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं, जो इनको रोकने के लिए ब्लेड रनर तैयार किया जाता है। ये ब्लेड रनर उनको किस तरह रोकते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी हिंदी में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द टुमारो वॉर, जो आई है 2021 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ सोल्जर्स की, जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए होते हैं, और ये लोगों को बताते हैं कि उनकी फ्यूचर में एलियन के साथ जंग चल रही है और हम ये जंग हारने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को हमारे साथ चलना है और एलियंस को हम हराने में हमारी मदद करना है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वह आप इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी हिंदी में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb। हमारी नेक्स्ट मूवी है अलीटा बैटल एंजल, जो आई है 2019 में। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक साइंटिस्ट की, जिसको एक दिन कचरे में से साइबॉर्ग मिलती है, जो कि डीएक्टिवेट होती है। वो साइंटिस्ट उसको घर ले जाता है, उस पर काम करके उसको एक्टिवेट करता है, पर उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और ये अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए निकल पड़ती है एक मिस्टीरियस सफ़र पर। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी हिंदी में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।